कल से संसद का मॉनसून सत्र तो शुरू हो ही रहा है। कल ही राष्ट्रपति पद के लिए मतदान भी होना है, मगर मतदान से पहले ही आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसने राजनीति के गलियारों को एक बार फिर से गर्म कर दिया। तेजस्वी यादव ने क्या कहा था और उस पर हंगामा क्यों मचा, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। राष्ट्रपति चाहिए ना, लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव के इस बयान ने हंगामा मचा दिया। राजनीति की सभी राहों पर हलचल मच गई, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बयान ही ऐसा दिया था, क्योंकि तेजस्वी यादव की जुबान से एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए जो शब्द निकले उसने पूरे एनडीए को आहत कर दिया था। तो सुनिए तेजस्वी ने कहा क्या था। हम लोग को राष्ट्रपति चाहिए ना, हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे। आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया गया। तेजस्वी यादव का ये बयान बीजेपी के नेताओं को चुभ गया। उन्होंने आरोप लगाने शुरू किए कि तेजस्वी यादव ने आदिवासियों का अपमान किया, तेजस्वी यादव ने एक महिला का अपमान किया, तेजस्वी यादव ने एक गरीब परिवार से उठकर लोकतंत्र के सबसे बड़े पद की उम्मीदवार तक पहुंचने वाली महिला के संघर्ष का अपमान किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि तेजस्वी यादव जी इस प्रकार की शब्दावली मूर्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी द्रौपदी मुर्मू जी जैसे एक व्यक्ति के। द्रौपदी मुर्मू जी का काफी लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है, काउंसलर से एमएलए, मंत्री राज्य में, फिर जाकर वो राज्यपाल बने, बहुत पीड़ा और सेवा के साथ जनता के बीच रही है। तेजस्वी यादव का बयान बीजेपी को असंसदीय लगा, इसीलिए संसदीय कार्य मंत्री ने भी तेजस्वी पर पलटवार किया। बिल्कुल गलत है, एक आदिवासी महिला के ऊपर, शी इज ए क्वालिफाइड लेडी, शी इज ए क्वालिफाइड वुमन, एंड टॉकिंग लाइक दिस इल ऑफ क्रिएटिंग इल विल, ट्राइंग टू क्रिएट विल विल, इट इज अ वेरी बैड थिंग। बिहार में कांग्रेस वैसे तो एनडीए के विरुद्ध ही है, मगर तेजस्वी के बयान से वास्ता नहीं रखती। अलबत्ता कांग्रेस की ओर से सलाह दी जा रही है कि तेजस्वी को ऐसे बयानों से परहेज रखना चाहिए था। पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं कोई अधिकार है कि अपने ढंग से वो व्याख्या करें और वोट से पहले उम्मीदवारों की योग्यता और उनकी कार्य क्षमता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए। कोई आलोचना करे, सलाह भिजवाए या पलटवार करे, मगर आरजेडी अपने नेता के बयान से 100% सहमत है। आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि तेजस्वी ने बिल्कुल सही कहा है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने बिल्कुल वाजिब सवाल खड़े किए हैं, ये सबको पता है। राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, जिस तरह से एनडीए ने बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, ये सबको पता है। और ये ठीक है कि वो महिला हैं, आदिवासी हैं, लेकिन बीजेपी के साथ विचारधारा की लड़ाई है। अगर सर्वसम्मति बनाई जाती, आम सहमति बनाई जाती सभी दलों के साथ बैठक करके, लेकिन उनको तो रबर स्टाम्प चाहिए। विपक्ष ने द्रौपदी मुर्मू के सामने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। वैसे तो आंकड़े अभी से द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में है, मगर विपक्ष का भी अपना भरोसा है। बाकी बस एक रात की बात है, कल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सुबह 10 बजे से संसद भवन के पहले तल्ले में मतदान किया जाएगा। लेकिन उस मतदान से पहले घमासान मच गया। शिवहर से केशव आनंद के साथ आज तक ब्यूरो।